उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर चल रही नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर डिडौली कस्बे से मुखबिर की सूचना पर अल्ट्राटेक कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके बनाए जा रही नकली सीमेंट की फैक्ट्री पर छापेमारी की है, जहां से अल्ट्राटेक कंपनी के नाम से बनाए गए भारी मात्रा में बोरी नकली सीमेंट के कट्टे बरामद हुए हैं। अमरोहा सर्किल में तैनात अल्ट्राटेक कंपनी के मैनेजर संजय शर्मा व मैनेजर कमल सिंह ने मुखबिर से मिली पक्की जानकारी के बाद पुलिस के अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद डिडौली कोतवाली पुलिस ने डिडौली कस्बे में चल रही नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए नकली सीमेंट बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में तैयार नकली सीमेंट के कट्टे बरामद किए गए हैं। इस मामले में फैक्ट्री को संचालित करने वाले अकरम अली व महबूब की गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारियों द्वारा फैक्ट्री को सील कर नमूना भरकर नोएडा लैब भेजा जाएगा। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में डिडौली कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना डिडौली क्षेत्र अंतर्गत नकली सीमेंट का कारोबार किए जाने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर आज दिनांक 16/1/2024 को श्री संजय शर्मा, जो कि आयरिस कंपनी गुड़गांव में सीनियर मैनेजर के पद पर है, वह अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा नकली सीमेंट पर कार्रवाई किए जाने हेतु प्राधिकृत किए गए के साथ थाना डिडौली पर तैनात एसआई श्री रवनीश कुमार के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन करते हुए आईओसी पेट्रोलियम के पास स्थित एक गोदाम पर छापा डाला गया। छापे के दौरान भारी संख्या में नकली सीमेंट के अल्ट्राटेक व वंडर सीमेंट व जेके सीमेंट के बैग खाली में भरे हुए बरामद हुए हैं। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में मौके पर से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त महबूब व उमर अली के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। इनका एक साथी साने आलम, जो कि मौके से भाग गया था, की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।